बन्नासकांठा वडगाम। वडगाम अनुसूचित जाति SC द्वारा सब अनुसूचित जाति के अलग अलग पेटा जाति को इकट्ठा करके एक सरनेम रखने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। वडगाम तहसील के समगर्स्क समाज को एक करने की प्रक्रिया हाथ धरने में आई, जिसका नाम रखने में आया OLSC अंदर ओन सरनेम भारतीय, जिसके अंतर्गत SC समाज में आने वाली समग्र जाति को कोई एक सरनेम जैसे कि भारतीय सरनेम रखा जाए, ऐसी मुग्ध राठौड़ और उनकी टीम द्वारा मूवमेंट हाथ धरने में आई। इस मुहिम की शुरुआत वडगाम तहसील के मजादर गांव के रामापीर मंदिर से आज रोज करने में आई। उसमें अनुसूचित जाति के अलग अलग ज्ञाति के बहुत सारे बुद्धिजीवियों उपस्थित रहे थे। मुख्य मेहमानों द्वारा बाबा साहेब के तस्वीर समक्ष दीप प्रगट करके शुरुआत करने में आई और आए हुए मेहमानों का स्वागत पुष्पगुच्छ द्वारा करने में आया था, जिसमें यह विचार जिसको आया वैसे मुग्र का भाई राठौड़ द्वारा समाज को एकत्रित होने के लिए पहल करने में आई तथा समग्र SC समाज को कैसे और क्यों एक होना चाहिए और एक होने के पीछे क्या फायदे है उसकी विस्तृत जानकारी दी गई तथा यह मूवमेंट को वडगाम विधानसभा के धार सभ्य जिग्नेश मेवाणी ने भी स्वीकारी थी और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े वैसी नम्र अपील भी की गई थी और जय भीम के नारे के साथ मुहिम आगे बढ़े और सब एक हो जाए ऐसी अपील की गई। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम मृगांक राठौड़ है। मैंने और मेरी टीम ने ये जो मूवमेंट चालू की है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही सकारात्मक रवैये के साथ चालू की है। मूवमेंट का नाम है OLSC अंडर वर सरनेम भारतीय, मतलब कोई भी दलित हो, SC मतलब दलित, कोई भी दलित हो उसकी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज दलित समाज हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है, इससे समाज बहुत ही कमजोर हो रहा है, इससे देश को भी नुकसान हो रहा है। तो नंबर एक कि आप कोई भी दलित हो लेकिन आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए और वो हमने सोचा है कि सब दलित की सरनेम एक होनी चाहिए एंड दैट इज भारतीय। क्योंकि अगर हम दलितों को एक करना चाहते हैं तो एक कॉमन आइडेंटिटी देना जरूरी है। दूसरी बात, हमारी जो मूवमेंट है उसका मोटो है कि आओ हम अपने समाज को एक करें, संकलित करें और अन्य समाजों के साथ भाईचारा बरते, मतलब जो समाज दलित समाज नहीं है उनके साथ हम अमन कायम करें। ये दो चीजें समांतर चलेगी, ये पैरेलल में चलने वाली चीजें हैं। नंबर एक, हमारे समाज को हम मजबूती प्रदान करेंगे और हजारों टुकड़ों में जो बटा हुआ समाज है उसको एक करेंगे, और नंबर दो, दूसरे समाजों के साथ हम सद्भावना और अमन का वातावरण कायम करेंगे जिससे देश को भी फायदा होगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।